जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं कि अगर ये गलती आपने कर दी तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको इसमें तीन ऐसी गलतियाँ बताने वाला हूं बहुत बड़ी, जो 2018 की वैकेंसी में बहुत बच्चों ने किए, जो बाद में फिर खून के आंसू रोए। खून के आंसू इसलिए रोए क्योंकि जो गलतियाँ अभी आप कर दोगे इसका हर्जाना अभी नहीं, आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो जो मेन जो मुख्य जो तीन गलतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर तीन गलतियाँ आपने की तो यानी इसका अर्जाना आपको 100% खून के आंसू रुला देगा इस वैकेंसी के ख़त्म होते होते। क्योंकि अभी आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी ख़त्म होने को आएगी तब तक 3 साल बीत जाएंगे। यानी अभी चल रहा है 2021, 2024 के आसपास जब आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी उस समय फिर आपके रिजेक्शन लेटर हाथ में होंगे या आपकी गलतियों का आपका नतीजा आपके हाथ में होगा, तब उस समय आप ज़रूर रोओगे। तो कौन कौन सी वो गलतियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन गलतियों का आप अच्छे से ध्यान रखें। और जब मैं चाहता हूँ कि आप ना करें, 2018 में जिन बच्चों ने वो गलतियाँ की वैसी गलती आप कोई भी ना करें, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रख लें। कौन कौन सी वो तीन गलतियाँ, पहली गलती फर्स्ट चॉइस, सेकेंड गलती फॉरम अप्लाई, और थर्ड गलती एग्ज़ाम को ईजी लेना। दोस्तों बहुत सारे बच्चे थर्ड से शुरुआत करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम को SSC GD के एग्ज़ाम को बिल्कुल इजी मान लेते हैं। माना इसका जो सिलेबस है वो इजी है, माना इसका पेपर का जो पैटर्न है वो इजी है, इसका जो पेपर का लेवल है वो इजी है, तो वो क्या करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि इसका कुछ नहीं आता, इसके लेवल बहुत कमज़ोर है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके पेपर में लेवल भले ही हल्का हो लेकिन मेरिट कहाँ जाती है, वो जब मेरिट आती है ना तब आंखें खुलती है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देना है कि मुझे आता है बहुत कुछ या मुझे बहुत सारा आता है या SSC GD तो मैं इसे फाइट कर लूँगा, तो ये चीज़ आपको गड्ढे में डाल देगी। क्यों? SSC GD का माना एग्ज़ाम इजी होता है, इसका पैटर्न है, 4 सब्जेक्ट चारों ईजी है, 10th क्लास का लेवल रहता है, लेवल बहुत लो रहता है इसलिए ईजी लेवल रहता है। तो बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि कुछ लेवल है नहीं, 1 महीने में तैयारी कर लूँगा, 2 महीने में तैयारी कर लूँगा और मेरे को तो सब कुछ आता है। वही बच्चे मात खाते हैं जो पहले से एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, SSC GD के एग्ज़ाम में फिर से हो रह जाते हैं, फिर वो बोलते हैं हमने 8 साल तैयारी कर ली, हमने 10 साल तैयारी कर ली। तो बेटा 10 साल तैयारी करिए चाहे 8 साल तैयारी करिए, अगर एग्ज़ाम में नंबर नहीं लाओगे तो वहाँ पर आपका नंबर नहीं आएगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना हो SSC GD को लेकर, इसको हल्के में ना ले। लेवल कम है तो मेरिट भी उतनी ऊपर जाती है। मेरिट बीट की 86 हरियाणा की गई थी, आप सभी को पता होगा हरियाणा की 86, राजस्थान में भी कई जैसे SSF की उनकी 86 है, और मतलब 80 से प्लस रही है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिनकी मैंने मेरिट आपको बताई थी अभी 2 दिन पहले, तो मतलब मेरिट भी तो वहाँ जाती है ना, ये कंपटीशन लेवल है। कोई 10th क्लास का बोर्ड नहीं जो फिक्स 9 किताबें पढ़नी उनसे बाहर नहीं आएगा। कितनी मतलब कितनी सारी कंपटीशन की बुक्स है, किसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें आपको 80 नंबर लाना आसान नहीं, ठीक है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो SSC GD के लिए ये एग्ज़ाम कार्ड की गाइड बुक है, यानी इसमें गाइड बुक का मतलब है इसमें SSC GD के लेवल का, ओनली SSC GD के लेवल का चारों सब्जेक्ट दिए हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GK, यानी चारों के चारों सब्जेक्ट दिए गए हैं ओनली SSC GD के लिए। अलग अलग प्रश्नावली वाइज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, GK भी अच्छा दिया हुआ है। SSC GD के लेवल को मतलब ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी गाइड बुक है। तो अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया कर लीजिए अमेजन से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है। अब आते हैं सेकेंड गलती पर, सेकेंड गलती होती है फॉरम अप्लाई। दोस्तों फॉरम अप्लाई के समय 90% बच्चे, 90% बोल रहा हूँ, 90% बच्चे डिपेंड करते हैं साइबर कैफे पर, यानी जो साइबर कैफे वाला ई मित्र वाला जो फॉरम भर देगा उसको डॉक्यूमेंट दे देंगे और बोलेंगे भर दो। अब कौन कौन सी वहाँ पर बड़ी गलतियाँ होती हैं मैं आपको बताता हूँ, और जिन गलतियों की वजह से फिर आपको बाहर का रास्ता नापना पड़ता है। कौन सी है? सिग्नेचर और थंब। एक तो फॉरम भरते समय बहुत सारे बच्चे मीनिंग में मिस्टेक कर लेते हैं क्योंकि फॉरम को जांच नहीं करते। अगर आपके फॉरम में मिस्टेक हुई मीनिंग में, या आपका डिस्ट्रिक्ट भरने में या आपका स्टेट भरने में अगर थोड़ी सी भी गलतियाँ हुई तो आपका फॉरम हो जाएगा रिजेक्ट मेरिट आने से पहले 2 साल बाद में, ठीक है। अगर आपका थंब प्रिंट का क्या होता है, अगर मान लो आपने अभी थंब किसी ने और ने लगा दिया, साइन किसी और ने कर दिए, एग्ज़ाम में कोई और जैसे आप जाओगे तो आपने साइन किया वो मैच नहीं हुए, और बाय चांस आपके फिंगरप्रिंट मेडिकल के समय और फिजिकल के समय और एग्ज़ाम के समय, मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे 2018 वाले वैकेंसी में जिनके एग्ज़ाम के और मेडिकल के टाइम उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं खाए, उनके भी विथ हेल्ड में डाल रखा उनको, यानी उनका मेरिट रोक रखा है, तो उनका क्या होगा? फॉरेंसिक जाँच होगा। किससे होगा? जब फॉरम भरा था वो फिंगरप्रिंट्स उस थंब से उनका जांच होगा। अगर उस थंब से मैच नहीं खाएगा उसका फॉरम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जिसका मैच खा जाएगा वो पास हो जाएगा। इसीलिए जब फॉरम भरने जाओ खुद जाना,
अच्छे से टाइम देना, वो दिन पढ़ाई नहीं करना बल्कि अच्छे से टाइम देना, फॉर्म को पूरा सेफ्टी से भरना, पूरे ध्यान से भरना, अपना ही थम लगाना, अपने सिग्नेचर करने, और जो सिग्नेचर वहाँ कर रहे हो वही सब जगह करना, फिजिकल के समय, मेडिकल के समय और एग्ज़ाम के समय, ठीक है। साथ में अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट्स में जो भी मिस्टेक है वो सुधार लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब फॉर्म भरने जाते हैं तो वो साइबर कैफे वाला भर देता है, वो जांचते नहीं है, उनके खुद के नाम में मिस्टेक या टेंथ क्लास के रोल नंबर में और डेट ऑफ बर्थ में, अगर टेंथ क्लास के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ में अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हुई सेकेंड गलती जो करते हैं फॉर्म अप्लाई में। थर्ड जो गलती होती है फर्स्ट चॉइस। दोस्तों फर्स्ट चॉइस के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाए, अलग अलग टाइप से बनाए, प्रमोशन के आधार पर, एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा कौन सी फोर्स में होता है, कौन सी फोर्स का क्या काम होता है, इस सब पे डिपेंड रखे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए, तो आप उन वीडियो को देखिए और फिर अपनी फर्स्ट चॉइस लगाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है पता ही नहीं होता कि कौन सी उनकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, वो कुछ भी डाल देंगे, फिर बाद में एग्ज़ाम फाइट करेंगे, मेडिकल फाइट करेंगे, तब पता चलेगा यार ये फोर्स अच्छी है, ये मेरे को ये डालनी चाहिए थी, मेरे तो इतने नंबर आ रहे पेपर में, तो इस फोर्स में चला जाता या इस फोर्स में चला जाता। इसलिए पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, उस फोर्स के बारे में वीडियो देखिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए, गूगल पर सर्च करिए, उस फोर्स का पूरा बायोडाटा जानिए और फिर वो अपनी फर्स्ट चॉइस दीजिए। तो ये तीन गलती आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, अगर आप भी ये गलती नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। दोस्तों जो मैंने इन तीन गलतियों के बारे में बताया, इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।